व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? तो मैंने सोचा कि नए ब्लॉग के स्टार्ट कर लेते हैं। काफी ब्लॉग्स साइड बाय साइड बनते जा रहे हैं हमारे, तो धीरे धीरे जो जो कंटेंट वाला ब्लॉग है उस हिसाब से मैं डालता रहूंगा, है ना। तो आपको बहुत सारे अच्छे से ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और हम लोग आए हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए। यहाँ पे मम्मी गाड़ी चला रही है और शतभी है यहाँ पे। अभी हम पियेंगे दूध की ठंडी ठंडी बोतल, है ना मम्मी। और हम आए क्यों? क्योंकि गाड़ी में मैंने देखा पेट्रोल है नहीं, हमें कल ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा भैया पहले पेट्रोल भरवा लो फिर चलेंगे, नहीं तो जिस रेंज में मैं 17 किलोमीटर रहती, मेरा ऑफिस आने जाना 50 है। तो पता चला जाते हो खड़े हो जाते बीच में, पता ही नहीं चल पाया था। तो मैंने अभी रेंज देखी, इसमें पता चल जाता है कितनी रेंज में कितना पेट्रोल, कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा रहता है यहाँ पे कि जितना पेट्रोल है गाड़ी में उतनी उस रेंज में इतना किलोमीटर गाड़ी आपकी चल सकती है। तो ये मैंने अभी चेक किया, यहाँ पे FM का आ रहा है और यहाँ पे टाइमिंग और डेट आ रही है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली। देखिए मंदिर पूरा साफ कर दिया हमने अच्छे से, और थोड़ा सा सेटिंग दोबारा से चेंज कर दी मंदिर की। तो माता रानी को हमने यहाँ बिठा दिया और यहाँ सारे भगवान जी यहाँ बिठा दिए, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो स्पेशल जगह माता रानी की होनी चाहिए, है ना। और अभी पूजा के बर्तन धो के अच्छे से बढ़िया तरीके से कल पूजा करेंगे अपना नवरात्रों के। नवरात्रा है कल पहला, है ना। ये देखिए। सो गाइस, यहाँ पे मुझे करना है वॉइस ओवर। मैं बोल तो रहा था काफ़ी चीज़ें, बस लाइटिंग ब्लूटूथ से कनेक्टेड थी तो इसमें मेरी कुछ आवाज़ आ नहीं पाई इस वीडियो में। तो मैं बस आपको ये बता रहे थे कि आज है नवरात्रों का पहला दिन और बहुत आज हम दोनों को जाना पड़ रहा है ऑफिस। तो मैं बता रहा था यहाँ देखिए शतक चला रही है गाड़ी, और आज हमारे बिल्डिंग में था शाम को बिल्डिंग में है कीर्तन भी खाटू श्याम जी का। सो यही सब मैं आपको बता रहा था इस वीडियो के थ्रू, बट कोई नहीं, मेरी ओरिजिनल आवाज़ नहीं आ पाई तो मैं इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आप इसको इन्जॉय कीजिएगा। अब इसके आगे मैं लगा दूँगा थोड़ा सा म्यूज़िक और आप म्यूज़िक के साथ इस वीडियो को इन्जॉय कीजिएगा। शतक को गाड़ी चलाते हुए देख लीजिए। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? और पीछे बैकग्राउंड से पता चल गया होगा हमारी बिल्डिंग में हो रहा है कीर्तन, खाटू श्याम बाबा जी का संकीर्तन। हमारी बिल्डिंग में जो फोर्थ फ्लोर पर रहती हैं भाभी, चंचल भाभी, उन्होंने करवाया, उनके हस्बैंड का बर्थडे है पवन भैया का, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में खाटू श्याम जी का कीर्तन है हमारी बिल्डिंग में। तो मैं ऑफिस आके मैंने पहन लेते वाला कुर्ता, है ना, और आज मैंने गाड़ी चलाई अकेले, मजे आ गए यार गाइस, मजे आ गए। सुबह शाम बहुत अच्छे से लेके आया, सेफ्टी के साथ गया था, पूरा सेफ्टी के साथ आ गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नीचे तो इंजॉयमेंट करने खाटू श्याम जी का, भक्ति में डूबने के लिए। उसका खाएंगे नीचे ही, खाना भी है फिलहाल, तो आज का खाना नीचे ही होगा, ठीक है। तो मैं हो गया ऑलरेडी। कृतन को तो हमने सुबह आपने उसका लुक देख लिया था, तो वो सुबह पहन के थी, वो अभी पहन के जा रही है, वो कह रही मैं थक गया तो मैंने नहीं ऐसे चलो, कह रही मैं थक गई। वैसे हम दोनों का मैच हो जाएगा थोड़ा, है ना, ऑरेंज ऑरेंज, है ना। तो इसलिए कह रही मैं यही पहन के, कह रही मैं मैचिंग करनी बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे कह रही, ठीक है। तो चलिए नीचे। श्याम प्यारे की आ गया मैं अगुत बाबा, सारी दुनिया छोड़ के के लेने आ जा खाटू वाले, लेने आ जा खाटू वाले, रिंग के उस मोड़
का दिन। सो गाइस मैं इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, और ये वाला व्लॉग मतलब कि सो बहुत ही अच्छा आज कीर्तन का आनंद लिया हम लोगों ने, ठीक है। और नवरात्रि का पहला दिन भी बहुत अच्छा रहा। खाने में मैं खाना दिखा नहीं पाया, पर खाने में आपका था कुट्टू की कड़ियाँ थी, रायता था, सैलड था, मखाने बहुत ही स्वादिष्ट थे। सो मज़ा खाना खा के, और आलू भी था, चटनी भी थी, तो बहुत अच्छा लगा फंक्शन खाटू श्याम जी का। सो इस ब्लॉग को मैं करते हैं यहीं पर नेक्स्ट में, तब तक के लिए सुरक्षित रहो और हमें ढेर सारा प्यार देते रहो। और अब आने वाले ब्लॉग सारे अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि वो आपको मिलेंगे राम की नगरी में, है ना, राम की नगरी के ब्लॉग, यानी कि अयोध्या के ब्लॉग।